कहानी का शीर्षक है जहां दुर्गा भी रो पड़ी। सुबह लॉन में बैठकर अखबार हाथ में लिया ही था कि अचानक तीए की बैठक वाला पृष्ठ खुल गया। पृष्ठ बंद करते करते भी एक तस्वीर पर निगाह पड़ गई और मैं बुरी तरह चौंक गई। जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ी। तस्वीर मेरी घनिष्ठ सहेली की बेटी की थी। खबर थी कि दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारी बेटी सपना की दुखद मृत्यु हो गई है। संवेला समारोह आज शाम को 5 बजे है। खबर पढ़कर मैं हतप्रभ रह गई। घर में सबको सूचित किया और बिना चाय पिए ही साड़ी बदलकर पतिदेव के साथ सहेली के घर की तरफ रवाना हो गई। घर का माहौल अत्यंत गमगीन था। परिवार की व जान पहचान की काफी महिलाएं एक कमरे में एकत्रित थीं। सपना की मृत्यु ससुराल में हुई थी। सपना की मम्मी सुनीता जी महिलाओं के मध्य बेहोश पड़ी थी। मुझसे परिवार की सब महिलाएं परिचित थी, अतः देखते ही सुनीता जी के पास स्थान बना दिया था। मैं सुनीता जी का सिर गोद में रखकर उन्हें काफी सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी। सुनीता जी ने मेरा स्पर्श पहचान कर आंखें खोलकर सुबकते हुए कहा, भाभी आखिर वही हुआ जिसका डर था। आपने और मैंने बहुत प्रयास किया था उसे रोकने का, पर वो तो मानी ही नहीं। माँ डर मत, तेरी बेटी दुर्गा है, राक्षसों को खा जाएगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी की एक नहीं मानी और विश्वास में मारी गई। सपना 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, बेहद लाडली। माता पिता भी उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। मुंह से बात निकली नहीं कि पहले पूरी की जाती थी। एक बार जब वो करीब 5-6 वर्ष की थी, उसने किसी लड़की को लहंगा पहने हुए देख लिया। अब तो जिद पर अड़ गई कि मुझे भी ऐसा ही लहंगा चाहिए। सुनीता जी ने बहलाने का काफी प्रयास किया, किंतु वो नहीं मानी। ऊपर से पापा ने आदेश दिया कि गुड़िया को क्यों रुला रही हो, अभी सिलकर दो लहंगा। सुनीता जी ने अपनी एक साड़ी काट कर उसी समय उसे लहंगा ब्लाउज बनाकर पहनाया, तब वो चुप हुई। कई बार सुनीता जी झल्ला कर अपने पति से कहती थी, इसे इतना सर चढ़ा रखा है, ससुराल में कौन इसके नखरे उठाएगा, आप ही जाना इसके साथ। वो मुस्कुराकर सपना को लाड़ करते हुए कहते, अरे तुम देखना, मैं मेरी लाडली को ऐसे घर में दूंगा जहां इसके चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहेंगे। मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है, 5 भाइयों के बीच राजकुमारी। सपना सुंदरता में रति का प्रतिरूप थी। पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं थी, किंतु व्यवहार कुशलता में बहुत ही पटु थी। मृदुभाषिणी थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। मुझसे उसका विशेष लगाव था। शनै शनै सपना बड़ी हो रही थी। अब माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सपना के पिता अति संपन्न, रजवाड़ों से संबंध रखने वाले ठसकेदार व्यक्ति थे। मित्रों व परिचितों की संख्या भी अत्यधिक थी। संयोगवश उन्हें शासकीय परिवार के समान स्तर का एक युवक पसंद आ गया और धूमधाम से रिश्ता पक्का कर दिया। विवाहोपरांत 1-1.5 वर्ष तो अति प्रसन्नता से निकले। सब सपना के भाग्य की प्रशंसा करते थे। वो भी जब ससुराल से आती तो काफी प्रसन्न नजर आती थी। शनै शनै उसका मायके आने का अंतराल बढ़ता गया। अब उसके लंबे लंबे पत्र आने लगे। एक पत्र मुझे सुनीता जी ने पढ़वाया था, माँ ये लोग जैसे ऊपर से दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। आपने मुझे इतना दान दहेज दिया है, फिर भी ये सब कुछ इनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। सारा दिन मुझे ताने मारते हैं कि तुझे गर्मी लगती है, एसी चाहिए, तेरे लखेसर बाप से कह दे 2-4 एसी भिजवा देगा, हम भी ठंडी हवा खा लेंगे। कभी किसी बात के लिए तो कभी किसी बात के लिए सारा दिन मुझे तंग करते रहते हैं। मेरे कपड़े भी सब खत्म होने को हैं, क्योंकि मेरी तीनों नंदे मेरे ही कपड़े पहनती हैं। पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही अलमारी से निकाल कर ले जाती हैं। माँ आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, कल डॉक्टर को दिखाया था, उसने बताया कि आप नानी बनने वाली है, आप भैया को बेचकर मुझे बुलवा लीजिए।
और सुनीता जी ने सोमेश को भेजकर सपना को बुलवा लिया और ससुराल वालों ने भी कोई एतराज नहीं किया। सुनीता जी ने लंबे समय तक सपना को रखकर प्रसवोपरांत ही उसे भेजा। बच्ची 1.5 महीने की हो गई थी। बस यही चूक हो गई। इतने लंबे अंतराल में मुकुट बाबू सपना के पति अपना चारा अन्यत्र कोचते रहे। उन्हें विविधता का स्वाद लग गया था। माँ ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। मर्द है, एक सा खा खा कर जी भर जाता है, बदलाव तो चाहिए ही। बेचारी सपना जी महसूस कर रह जाती। कुछ वश नहीं चलता था। स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। गुड़िया 2 साल की हो गई थी। अब मुकुट लड़कियों को घर लाने लगा था। इतना ही नहीं, सपना को धमका कर दरवाजे पर पहरा देने को बिठाया जाता और अंदर रंग रलियां चलती रहती थी। साथ ही मुकुट के हाथ पांव भी काफी खुल गए थे। सोचता था, क्या है, अधिक से अधिक मायके चली जाएगी, अच्छा है, मुझे मुक्ति मिलेगी। सपना गोद में बेबी को लेकर रात रात भर दरवाजे के बाहर बैठी रहती। इसी बीच सपना दोबारा गर्भवती हो गई। इस बार मुकुट ने एक नया गेम खेला। मुकुट की एक मौसेरी भाभी थी, उनके बच्चे नहीं थे और उनको बच्चे की अति तीव्र लालसा थी। उसने भाभी से वादा किया था कि इस बार बच्चा होते ही मैं आपको सौंप दूंगा। भाई अधिकतर बाहर रहते थे, सो दोनों खुल्लम खुल्ला खेलने लगे। सपना सब कुछ देखती थी और खून का घूंट पीकर रह जाती थी। समय पाकर सपना को बेटा हुआ। बेटा ऑपरेशन से हुआ था। सपना अभी होश में भी नहीं आई थी कि बेटे को उससे अलग कर दिया गया और सपना से कहा कि तुम्हारी मरी हुई बेटी हुई है। 2-3 दिन पश्चात उसे नर्स से पता चला कि उसने स्वस्थ, सुंदर और सलोने बेटे को जन्म दिया है। उसे चिंता हुई कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ। थोड़ी हिम्मत होने पर उसने जांच पड़ताल प्रारंभ की तो पाया कि भाभी की गोद में नवजात शिशु है। अब वो सारा माजरा समझ गई, उसे धोखा दिया गया है। मुकुट का मौसेरा भाई काफी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस था। उसकी पत्नी ने आधी संपत्ति तो अभी देने का वायदा किया था और कुछ हिस्सा कुछ समय पश्चात। मुकुट परिवार को और क्या चाहिए था। सोचा, घर की खेती है, बेटे का क्या है, और हो जाएंगे, इसका तो फायदा उठाओ। सपना से कहा गया कि भाभी अनाथालय से बच्चा लाई है। सपना बहुत कसमसाई, किंतु उसकी एक न चली। अंत में उसने माँ व भाइयों से मिलने की ठानी और बेटी को लेकर मायके आ गई। मैं भी सपना से मिलने गई थी। उसने मुझे भी सारा किस्सा सुनाकर राय मांगी थी। मैंने व सुनीता जी ने उसे बड़े धैर्य से समझाते हुए कहा था, बेटा तुम उन भेड़ियों से नहीं जीत पाओगी, किसी तरकीब से अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ और यहाँ से तलाक की अर्जी देकर उन दुष्टों से छुटकारा पाओ। ये रोज रोज की असहनीय दुर्दशा देखी नहीं जाती। किंतु इस बार उसने कुछ दृढ़ निश्चय ही कर रखा था। कहने लगी, मैं सच की राह पर हूँ और दुर्गा मैया का आशीर्वाद है मुझ पर। देखना, सप्ताह भर में दोनों बच्चों के साथ लौटूंगी मैं। और अभी एक सप्ताह तो बीता भी नहीं था। 4th दिन सुबह सुबह खबर आ गई कि किचन में गैस सिलेंडर फटने से सपना जख्मी हो गई। वो 80% जल चुकी है। प्लेन से माँ, पापा व सोमेश वहां पहुंचे। अभी उसमें थोड़े प्राण बाकी थे। सपना ने माँ से कहा, माँ मैं हार गई, आप लोग शीघ्र ही गुड़िया को लेकर चले जाओ। मुन्ने को तो इन्होंने छुपा दिया है, गुड़िया ने सब कुछ देखा है, वो बेहद सहमी हुई है। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली और विदा हो गई। पुलिस केस बन गया था। हुआ ये कि मायके से जाने के पश्चात सपना ने अपने बेटे की मांग की। ससुराल वालों ने ढिठाई से कहा, स्वीकार किया कि हाँ ये बेटा तेरा है, पर हम तुझे नहीं देंगे। क्या तुम अपने मायके से लाई थी, हमारा ही तो अंश है, हम चाहे जिसे दे, तू होती कौन है। और भी काफी खरी खोटी सुनाई और झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अंत में क्रोध की अधिकता में सपना ने सारी हरकतों का बयान करते हुए आईजी, पुलिस, राष्ट्रपति व कलेक्टर
और साथ ही दो प्रतिष्ठित अखबारों के संपादकों के नाम पत्र डलवा दिए। साथ ही लिखा कि मेरे ससुराल वालों से मेरी जान को खतरा है। पत्र पोस्ट हो चुकने के पश्चात उसके पति व ससुर को इस घटना का पता चला। उन लोगों ने पोस्ट ऑफिस जाकर पत्र निकलवाने का भी काफी प्रयास किया, सफल नहीं हुए। जिससे सपना ने पत्र डलवाए थे उस व्यक्ति की भी काफी धुनाई हुई। सपना का पति तो क्रोध से पागल ही हो गया था। उसने किराए के दो गुंडे बुलवाकर रात्रि को कील से रस्सी बांधकर सपना को जकड़ दिया और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। सपना चिल्लाती रही। सामने पलंग पर गुड़िया सो रही थी। चीख कर वो बुरी तरह रोने लगी। माँ को जलता देखकर वो बुरी तरह सहम गई और उसकी आवाज बंद हो गई। पिता ने उसे उठाकर दूसरे कमरे में पटका और रसोई में रखा सिलेंडर, जिसमें थोड़ी सी गैस बची थी, ऑन कर दिया। तीनों व्यक्तियों ने बेहोश सपना को ले जाकर फर्श पर लिटा दिया और जलती तीली फेंक कर तीनों भाग गए। धमाका होना ही था। पास पड़ोस में धूम मच गई कि गैस सिलेंडर फट गया। रातों रात सपना के कमरे से जलने के समस्त निशान मिटा दिए गए। कमरे में रंग रोगन भी करवा दिया और जला हुआ सब सामान नष्ट कर दिया गया। बाद में केस को दबाने का काफी प्रयास किया गया, किंतु बात मीडिया तक काफी फैल चुकी थी, अतः परिणाम तो भुगतना ही था। सपना के ससुराल वालों ने मुकुट को अंडरग्राउंड कर दिया। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। सुनीता जी स्वयं को माफ नहीं कर पा रही थी कि मैंने सपना को जाने ही क्यों दिया। जबरदस्ती रोक लेती तो शायद मेरी बेटी बच जाती, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। लाख झांसी की रानी या दुर्गा भवानी बन जाए, किंतु राक्षसों से हमेशा ही जीत पाना संभव नहीं होता। काश सपना ने दूसरा रास्ता अपनाया होता। माता पिता व भाइयों को साथ लेकर या फिर मायके में रहकर तलाक की अर्जी देकर केस लड़ती तो उसे जान तो नहीं देनी पड़ती। ओवर कॉन्फिडेंस में लड़की मारी गई। ये काश के बिच्छू हमेशा ही डंक मारते रहते हैं।